इनकम सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कोई गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करना है, या फिर रिजर्वेशन के लिए आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए, तो इनकम सर्टिफिकेट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप खुद से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, वेलकम बैक टू वन सॉल्यूशन, मैं हूँ प्रिंस, और आज की वीडियो में हम इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने का कम्प्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर टाइप करना है ई साथी। इसको एंटर करने के बाद आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, isathi.up.gov.in। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। जब आप इस पेज पर पहली बार आएंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन लॉगिन, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर एक नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, आप यहां पर अपनी कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे कि आप यहां अपनी लॉगिन आईडी टाइप करेंगे, जो भी आप रखना चाहते हैं। आईडी टाइप करने के बाद आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से चेक कर सकते हैं कि वो आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद आपको यहां पर नेम टाइप कर देना है, फिर यहां कैलेंडर से आप डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेंगे, उसके बाद यहां से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर एड्रेस टाइप कर देंगे, उसके बाद यहां पर पिन कोड टाइप कर देना है और यहां से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहां पर आपको एक मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, आप यहां पर एक ईमेल आईडी टाइप करेंगे। आपके पास अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहां पर ये वाला कैप्चा टाइप करेंगे और सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। इसके बाद आप यहां से बैक करेंगे। अब आपको यहां पर लॉगिन करना है, आप लॉगिन करने के लिए यहां पर अपनी यूजर आईडी टाइप करेंगे, जो भी आपने सेलेक्ट की थी। उसके बाद यहां पर OTP टाइप करेंगे जो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है, फिर ये वाला कैप्चा यहाँ पर टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा अपना पासवर्ड सेट करने के लिए, आप यहाँ पर फिर से OTP टाइप करेंगे। जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप यहां पर टाइप करेंगे। ध्यान रहे आपका पासवर्ड मिनिमम 8 वर्ड्स का हो, जिसमें कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिकल और स्पेशल करेक्टर सभी होने चाहिए। इसके बाद यहां पर पासवर्ड रिटाइप करेंगे उसको कंफर्म करने के लिए और पासवर्ड बदले पर क्लिक करेंगे। आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, आप यहां वापस पर क्लिक करेंगे। अब आपको फिर से यहां पर लॉगिन करना है तो आप सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहां पर अपना यूजर नेम टाइप करेंगे और जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पर टाइप कर देंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप काफी सारे काम कर सकते हैं। आप यहाँ आवेदन पर देख सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपको लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेज मिल जाएंगी। आप यहाँ पर पंचायती राज विभाग या फिर समाज कल्याण सेवाओं से रिलेटेड सर्विसेज देख सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। हमें इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आप यहां आवेदन पत्र में आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको इसको फिल करना है। आप यहां से सेलेक्ट करेंगे आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में। उसके बाद यहां पर हिंदी में अपना नेम टाइप करेंगे, फिर इंग्लिश में अपना नेम टाइप करेंगे, यहां पर फादर का नेम टाइप कर देंगे, फिर यहां पर मदर का नेम टाइप कर देंगे। यहां पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस टाइप करना है, आप मकान नंबर टाइप करेंगे, आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं उसका नंबर यहां पर टाइप करेंगे, यहां से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां से तहसील सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप विलेज में रहते हैं तो यहां से अपने विलेज का नेम सेलेक्ट करेंगे, एक मोबाइल नंबर यहां पर टाइप करेंगे। इसके बाद आप यहां पर परमानेंट एड्रेस टाइप करेंगे, अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस में पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर टाइप करना है कि आप क्या काम करते हैं। इसके नीचे आपको टाइप करना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। जैसे कि मेरी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं तो मैं यहाँ पर 2 टाइप कर दूंगा। आपने यहाँ पर जितने भी मेंबर्स टाइप किए हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करनी होगी, आपको यहाँ पर कोई एक कैटेगरी देनी ही देनी है। जैसे कि अगर आपको पेंशन मिलती है तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, अगर आपका कोई प्राइवेट बिजनेस है तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, या फिर किसी और सोर्स से आपके पास इनकम आती है तो वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। आपको इसकी डिटेल्स यहाँ पर नीचे मिल जाएंगी, जैसे कि कुशल मजदूर में लोहार, बढ़ई, राजगीर, शिल्पकार, फेरी वाले, खोमचे वाले, पान की गुमटी वाले और दूसरे छोटे व्यापारी आते हैं,
और निजी व्यवसाय में यहाँ पर डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और मिडल और अपर क्लास के बिजनेसमैन आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। अगर आपका प्राइवेट बिजनेस है तो आप यहाँ पर उसकी इनकम टाइप कर देंगे, और अगर आप मजदूर हैं तो आप यहाँ पर इनकम टाइप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है कि आपके परिवार की कुल एनुअल इनकम कितनी है, और अगर इससे पहले आपको कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो आप इसको हाँ करेंगे, वरना इसको नहीं रहने देंगे। आपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, अगर हाँ तो इसको हाँ करें, वरना इसको नहीं रहने दें। मैं यहाँ पर नहीं को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप सर्टिफिकेट क्यों बनवाना चाहते हैं। अगर आपको कहीं पर एडमिशन लेना है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए सर्टिफिकेट बनवाना है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई और रीजन है तो आप यहाँ पर अन्य पर क्लिक करेंगे और उस रीजन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप टाइप कर देंगे, जो भी आपका रीजन है। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने उसको सेव किया हुआ है उसको आप ओपन कर लेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपने जहाँ भी उसको सेव किया हुआ है उसको ओपन कर लेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से राशन कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और राशन कार्ड को अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वेतन पर्ची यानी कि सैलरी स्लिप। आप यहाँ से सैलरी स्लिप को सेलेक्ट करेंगे, उसको चूज करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे, तो आपकी सैलरी स्लिप भी अपलोड हो जाएगी। ध्यान रहे, आप यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट पीएनजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में हो और उसका फाइल साइज भी 100 KB से ज्यादा ना हो। आपको यहाँ पर फोटो के लिए कंडीशन मिल जाएगी कि फोटो का साइज 50 KB से ज्यादा ना हो और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका साइज 100 KB से ज्यादा ना हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ दर्ज करें पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दो काम करने हैं। आपको यहाँ पर अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लें। दूसरा, आपको यहाँ भुगतान करना है तो आप सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करें। आप यहाँ सबमिट करेंगे, टोटल आपको यहाँ 10 रुपये पे करने हैं। आप प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, मैं नेट बैंकिंग से करने वाला हूँ। मैं पेमेंट करेंगे, यहाँ पर कस्टमर आईडी डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे, कन्फर्म करेंगे, यहाँ पर आप अपना OTP टाइप करके सबमिट करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ आवेदन सूची पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से आवेदन किए हैं। आप आवेदन की सूची पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट का स्टेटस भी जान सकते हैं। अगर पेमेंट इनकम्प्लीट रह जाती है तो आप यहीं से उसकी दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग जाते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो आपसे कुछ 5 या 6 रुपए एक्स्ट्रा लिया जाता है। वैसे ही अगर आप किसी दूसरे मेथड से यहाँ पर पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने से पहले आपके सामने कंप्लीट चार्ज आ जाएगा, जो भी आपसे चार्ज यहाँ पर लिया जाएगा। तो गाइस, इस तरह से आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए घर बैठे ही खुद से अप्लाई कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को प्रिंट करके यूज कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।